हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। हे जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। घर घर ये आयला तोहफा बांटेला, हर बच्चा चिल्लावे के देखो संता आ गेला। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे कितनी तैयारियां, ये सजावट हो रही हैं और ये तैयारी बड़े दिन के लिए हो रही हैं। जो बड़ा दिन हम बचपन से बहुत खुशी के साथ मनाते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था कि जब बड़ा दिन आता था तो हम बहुत दिन से इंतज़ार करते थे कि बड़ा दिन आने वाला है। लेकिन हमें इतनी ज़्यादा उस टाइम समझ नहीं थी कि बड़ा दिन किस लिए मनाते हैं और कौन लोग मनाते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन का त्यौहार होता है। वो एक साल इस त्यौहार के लिए इंतज़ार करते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो संता क्लॉज का इतिहास था, कहते थे कि वो एक गरीब लोगों की मदद करते थे, तो ये झुग्गी झोपड़ी जैसा बनाया गया है। आज क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? कैरल सिंगिंग। हम लोग के जो जीसस क्राइस्ट है वो आज बॉर्न होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कैरल सिंगिंग करते हैं। और किशमिश डे की तैयारी भी चल रही होगी? यस। क्या क्या उस दिन होता है? केक्स बनते हैं और खेलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। किस लिए मनाया जाता है खुशी डे? अब जब हम लोग के यीशु मसीह पैदा होते हैं तो वो राजा होते हैं, तो जब पैदा होते हैं तो हम लोग खुशी मनाते हैं। तो उस दिन के लिए क्या खास होता है? कोई खाना कपड़ा या कुछ नया क्या होता है? सब कुछ नया बनता है और सब कुछ सब अच्छे से और सब अच्छे से रहते हैं और सब नया नया रहता है। केक क्यों खास माना जाता है? क्योंकि जब उनका जन्मदिन हुआ था तो उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग केक खाते हैं। ओके, थैंक यू। अब आपका चेहरा देख सकते हैं। थैंक यू। आप थोड़ा सा इतिहास बताइए जो 25 दिसंबर के दिन जो इतनी खुशियां मनाई जाती हैं। जी, सबसे पहले मैं सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। हम इस क्रिसमस डे इसीलिए मनाते हैं 2000 साल पहले, अभी 2019 है, 2000 साल पहले प्रभु यीशु का बेतलहम में एक छोटे से गौशाले में उन्होंने जन्म लिया था। वो राजा थे, प्रभु थे, उनको कहीं जगह नहीं मिली। वो प्रभु होते हुए भी उन्होंने गौशाले में जन्म लिया, एक बहुत साधारण परिवार में। मरियम और यूसुफ उनके मम्मी पापा थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया था वो ऐसा मौसम था, जाड़े का मौसम था, रात बड़ी थी, इसीलिए बड़ा दिन कहते हैं। हम देखते हैं 25 का ऐसा मौसम जो आता है बहुत बड़ा, हम देखते हैं कि रात जो बहुत बड़ी होती है, इसीलिए हम इसलिए 25 दिसंबर को मनाते हैं, सदियों से मनाते आ रहे हैं। और विशेष रूप से हम दूसरी बात ये भी देखते हैं कि प्रभु येसु बहुत साधारण रूप से जन्म लिए, और उनका जो सुसमाचार था लोगों ने बहुत फैलाया। क्यों? क्योंकि प्रभु ये क्रिसमस हम तभी मना सकते हैं जब क्रूस पर प्रभु येसु मरे, उसके बाद तीसरे दिन वो रविवार के दिन जी उठे। इसीलिए जब वो जी उठने के बाद ही लोगों ने ये अनुभव किया प्रभु येसु हमारे लिए मरे और फिर जी उठे हैं। और इसीलिए खुशी का सुसमाचार इसीलिए है क्योंकि प्रभु येसु संसार के मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में आए। और क्रिसमस की बात करें तो आज सेंटा क्लॉज भी बहुत फेमस है। सेंटा क्लॉज क्यों फेमस है? क्योंकि एक संत हुआ करते थे जिनका नाम है संत निकोलस। अगर हम संत निकोलस को बार बार दोहराएंगे, संत निकोलस संत निकोलस संत निकोलस, वो क्या हो जाएगा? सेंटा क्लॉज। संत निकोलस करके जो, तो निकोलस उनका नाम था, वो संत किसी लिए हुए? क्योंकि वो एक परिवार हुआ करता था, बहुत गरीब परिवार हुआ करता था, वहाँ पे 3 लड़कियाँ थीं, उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो संत ये जो निकोलस नामक वो जो व्यक्ति धर्मात्मा थे, वो देखते हैं कि इन घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही क्योंकि बहुत गरीब हैं। तो वो क्या करते, चुपके से लेके कुछ सोने के सिक्के उनके पास थे, उस सिक्कों को वो एक पोटले में बांध के उस घर में डाल देते हैं। पता नहीं चलता को किसने डाला, लेकिन उस बेटियों की शादी हो जाती है। धीमे 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 लोगों को पता चला ये व्यक्ति है धर्मात्मा जो है निकोलस, वो ऐसा कार्य करने लगा। इसीलिए आज खुशी के मौके पर हम लोग भी संता क्लॉज इसीलिए इस प्रकार से वो है लोगों के बीच में आते तोहफा लेके, क्योंकि लोगों की हेल्प करना,
लोग जो बहुत लोग हैं आज लोग क्या करते हैं, बहुत उदास में हैं, उदासी हैं और दुख में हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि आज संत निकोलस भी बहुत इसीलिए गिफ्ट वगैरह देते हुए आते हैं। जी, आज क्या यहाँ पे हो रहा था, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? यहाँ पर क्रिसमस कैरल हो रहा है, हम लोग घर घर जाकर प्रभु यीशु के जन्म का संदेश दे रहे हैं और उनमें खुशियाँ बांट रहे हैं। अभी कितने दिन से शुरू किया है? अभी हम लोग का आज दूसरा दिन है। कितने घर पे जा चुके हैं? अभी तो हम लोग 24 घर जा चुके हैं। किसी के भी घर जाते हैं? हाँ, नहीं सिर्फ क्रिश्चियंस के, जो हमारे पैरिश के उनके घर जाते हैं, गाना गाते हैं, प्रेयर्स करते हैं उनके लिए और उनके अच्छे, मतलब वो अच्छे हेल्थ रहे उनकी। ईद सब कौन सा गाना गाती हैं? बहुत सारे गाने गाते हैं, जो सुनाइए। झनन झनन घुंघरू बजे, झनन झनन मनवा नाचे, ओ मैसेज देना चाहेंगे आज का माहौल किस तरह से चल रहा है और यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं विशेष रूप से सभी यूथ को और सभी को मैं क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व जो आज है केवल ईसाइयों का नहीं है, पूरे संसार भर के लोगों का है, एक यूनिवर्सल फेस्टिवल के रूप में है। मैं यही संदेश देता हूं कि आप जितना खुशियाँ बांटेंगे वो बहुत बढ़ते जाएगा। यदि हम दूसरों के प्रति नफरत की, घृणा की भावना रखेंगे, वो ना सिर्फ आप हम सोचते होंगे कि दूसरों का नुकसान होगा, लेकिन नुकसान अपना ही होता है। और जब एक दूसरे का नुकसान होगा, समाज का उद्धार कैसे होगा? हम एक दूसरे के साथ अच्छाई करेंगे, भलाई करेंगे, सचमुच में ये हमारा देश नहीं पूरी दुनिया बदल जाएगा और ईश्वर का राज्य सचमुच में हमारे बीच में होगा। We wish you a Merry